चंदौली में इंडियन ऑयल डिपो के पास टैंकरों से तेल चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल अलीनगर पुलिस और स्वाट टीम ने तेल टैंकरों से तेल चोरी करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा किया है। अलीनगर पुलिस और स्वाट टीम ने खाली पड़े प्लांट में छापा मारा, जहां डीजल से भरे टैंकर से तेल चोरी की जा रही थी। टीम ने तेल चोरी करते हुए तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से तेल चोरी करने वाले उपकरण के साथ ड्रम और गैलन से भरा 300 लीटर डीजल भी बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने डीजल से भरे टैंकर को कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। हाँ अलीनगर थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकरों से तेल चोरी की सूचना मिल रही थी। इस पर एक संयुक्त टीम बनाकर क्राइम ब्रांच और थाने की टीम से छापेमारी की गई है, जिसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 300 लीटर डीजल इनसे बरामद हुआ है। समुचित धाराओं में मुकदमा थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि अलीनगर थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के तेल डिपो हैं। यहां से डीजल और पेट्रोल पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों और सोनभद्र की कोयला खदानों में जाता है। इसके अलावा नेपाल तक टैंकरों के माध्यम से ही तेल की सप्लाई की जाती है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि अलीनगर में काफी समय से तेल चोरी का खेल चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। गौरतलब है कि यहां कुछ साल पहले सीबीआई ने भी बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी, कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।